हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंकी किचन। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम मटन बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है मटन बिरयानी। ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आइए हम मटन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए हाफ के जी मटन लिए हैं और हम 3 ऑनियन को बारीक कट करके लिए हैं, 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम मिर्च पाउडर लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हम गरम मसाले और 1 चम्मच हम मटन मसाले लिए हैं और हम 1 चम्मच बिरयानी मसाले लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट हम 2 चम्मच लिए हैं और खड़े मसाले लिए 2 सूखी मिर्च और 2 हरी मिर्च लिए हैं और हम 2 ऑनियन को फ्राई करके रख लिए थे उसको सजाने के लिए। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम मटन को इसमें अच्छे से वाश कर लिए थे और इसको हम इसमें ऐड करेंगे और हम 4 बड़े चम्मच इसमें दही लिए हैं और दही इसमें हम ऐड करेंगे मटन में। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, गोल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाते हुए हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए हम इसमें इंडिया गेट बासमती राइस का यूज़ कर रहे हैं बिरयानी बनाने के लिए। बहुत ही अच्छी लगती है इससे बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ये चावल जो है बहुत खिलकर आता है। तो हम एक बर्तन लिए हैं और हम इसमें पानी बॉईल कर लिए थे। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं और हम चावल इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें लेमन का यूज़ कर रहे हैं। लेमन जूस से जो चावल है अच्छे से खिल जाती है, अलग अलग चावल हो जाते हैं। तो अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। हमको 75% ही चावल पकानी है क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, तो फिर हम इसमें दम लगाएंगे। देखिए हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो रही है चावल। अब देखिए हमने 75% ही चावल को बॉईल कर लिए थे और देखिए चावल कितनी खिली खिली बनी है। अब हम कुकर में मटन बनाएंगे, तो एक कुकर लिए हैं और उसमें हम 5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किए हैं, हम सरसों का तेल लिए हैं और हम इसमें खड़े गरम मसाले, 2 सूखी मिर्च और इस पर हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और इसको मसाले भून लेंगे गरम मसाले को। अब हम इसमें ऑनियन जो कट करके रखे थे उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और ऑनियन को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड किए हैं, इससे जो हमारी बिरयानी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें ऐड करेंगे। घी डालने से मटन जो है हड्डी जल्दी छोड़ देता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ डाल दिए मटन और इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। हम टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अगर टमाटर डालना है तो डाल सकते हैं, पर बिना टमाटर का भी अगर मटन बिरयानी बनाएंगे तो देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम एक एक करके सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर का हमने यूज़ किया थोड़ा ताकि अच्छा सा कलर आ सके। अब हम इसमें गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं और हम 1 चम्मच बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड किए हैं और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको भी चलाते हुए हम भून लेंगे तब तक मसाले से, जब तक हमारे मसाले से ऑल ना आ जाए। देखिए हमारे मसाले से अच्छे से ऑयल आ चुकी है। अब हम 1-2 मिनट और इसको भून लेंगे। बहुत प्यारी दिख रही है हमारी मटन, ये देखिए हम इसको चलाते हुए भून लिए हैं 5 मिनट और ये देखिए अच्छे से मटन हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको हम मटन को पका लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया कलर आ गई है, ये मटन हमारे पक चुके हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और हम इसमें घी लगा दिए हैं चारों तरफ 1 चम्मच और हम इसमें चावल को फैला देंगे बिरयानी के लिए, अच्छे से हम इसमें लेयर डालने के लिए और चारों तरफ से हम चावल को फैला देंगे। हम 2 लेयर का बिरयानी बना रहे हैं,
तो हम एक पहले चावल को फैला देंगे। अब थोड़े थोड़े करके इसमें हम जो मटन पकाए हैं उसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, बहुत बढ़िया कलर भी आ गई है और हमारे मटन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए हम इसमें चारों तरफ चावल के ऊपर हम फैला देंगे और हम इसमें अदरक को स्लाइस करके लंबा लंबा 2 इंच के टुकड़े में कट किए हैं, तो अब हम इसको भी गार्निश करेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा जो ऑनियन फ्राई किए थे उसको भी हम इसमें डालेंगे और फिर से हम चावल का लेयर डालेंगे, ताकि हम 2 लेयर का बना रहे हैं। तो चावल डाल दिए और फिर से वही प्रोसेस करेंगे, फिर से हम मटन को फैलाएंगे चावल के ऊपर। से फैला देंगे इसमें और हम इसमें फिर से ऊपर से चावल का लेयर देंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर से अदरक जो हमने टुकड़ा लिया था लंबा कट कट के उसको हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ऑनियन भी डाले हैं और चावल का हम ऊपर से लेयर डाल दिए। अब हम इसमें जो बचे थे हमारे अदरक के टुकड़े हम उसको पूरा फैला देंगे चावल के ऊपर। अब हम इसमें जो ऑनियन को फ्राई करके रखे थे उसको से हम गार्निश करेंगे। चारों तरफ से हम अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। दिख रही ना प्यारे सी, उसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से हमारी बिरयानी बहुत ही कलरफुल बने और बहुत ही टेस्टी दिखती है। तो देखिए हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। बढ़िया कलर आ जाती है बिरयानी में। अब हम इसमें पुदीने का पत्ता इसमें हम ऐड कर देंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लिए थे, और इसको हम ढक देंगे। और ऊपर से हम आटे का डो तैयार किए थे उसको हम चारों तरफ से बर्तन के ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे इसको ताकि इसमें एयर ना आ जाए और अच्छे से हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही टेस्टी यम्मी और डिलीशियस बने। तो हम चारों तरफ से आटे का डो लगा दिए हैं, ये देखिए हम अच्छे से एडजस्ट कर दिए इसको। अब हम गैस के फ्लेम पर बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम हम लो कर दिए हैं और हम इसको रख दिए हैं लो फ्लेम पे। हम 10 से 15 मिनट तक हम इसको और पका लेंगे ताकि हमारी जो बिरयानी है वो अच्छे से पक जाए। चावल हमारे अब ठंडा हो चुकी है, आधे घंटे के बाद हम इसको खोल रहे हैं। आटे का लेयर हम हटा देंगे धीरे धीरे करके। हम देखिए खोल के दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारी बिरयानी कैसे बनी है, मटन बिरयानी। वाओ कितनी प्यारी दिख रही है ना, बहुत ही टेस्टी मटन बिरयानी बनी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।